हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तपेश। एक मिनट यारो, इस गेम में तो सूट पहनना बनता ही है। इसके पहले कि इस वीडियो में कोई डिस्टरबेंस हो, जैसे कि पिछले दो वीडियोस में हो चुकी है, मैं पहले से एक गेम की सीडी गिरा के रख देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि जब हम लोग कभी एक्सबॉक्स के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली हेलो का नाम आता ही है। लेकिन आज हम लोग प्ले स्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, प्ले स्टेशन 4 के बारे में। तो हम लोग नेथन ड्रेक के फोर्थ गेम के बारे में क्यों ना बात करें, जो है अनचार्टेड 4। तो नेथन ड्रेक वो बंदा है जो इस गेम में गन लेके खड़ा है, मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। कमाल की गेम है, क्या ग्राफिक्स है यार, क्या ग्राफिक्स है। मीन्स टूम रेडर और अनचार्टेड में से अगर किसी को चुनना होगा तो टूम रेडर को मैं चुनूंगा ना, अनचार्टेड को चुनूंगा। तो इतना मस्त गेम है यार। मीन्स करंटली सच बताऊं तो फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज भी मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि कहीं पहाड़ चढ़ जाऊं और इतने मस्त मस्त दूसरे दूसरे कंट्री घूम के नज़ारे देख पाऊं, लेकिन वो सब मैं वर्चुअली कर पाया हूँ इस गेम के बदौलत। साथ में स्टोरी लाइन बहुत फाड़ू है। ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है नेथन ड्रेक के कलेक्शन की, लेकिन मैंने गेम कैसा खेला है, पहले ही वाला गेम खेला है और बाद में उसके पहले के 3 वाले गेम्स खेले हैं, और उसके बाद पांचवा अनचार्टेड सीरीज में आया, लेकिन वो नेथन ड्रेक का कलेक्शन नहीं था, तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले ये गेम क्यों खरीदी, तो बात ऐसी है कि ये गेम ही वजह थी मुझे प्लेस्टेशन 4 खरीदने की, यानी कि ये मेरा बंडल पैक था। तो ये गेम मुझे फ्री में मिली है क्योंकि इसी गेम की वजह से मैंने प्लेस्टेशन खरीदा। गेम के ट्रेलर्स वगैरह मैंने पहले देख लिए थे, और जब खुद खेल के देखा तो भाई स्मूथ प्ले है, और ऐसी ऐसी जगह पे हम पहुंचते हैं, और जिस तरह से हम लोग पहाड़ों पे देख रहे हैं, जिस तरह से यार इसका पानी देख रहे हैं, मीन्स नॉर्मल समुद्र देखो, कुछ भी देखते रहो यार, ग्राफिक डिटेल बहुत कमाल की है। और इसमें इस बंदे की कहानी ख़त्म होती है। एक हाथ स्पॉइलर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे लाइफ में पेरेंट्स ना हो तो भी एक बंदा कैसे स्ट्रगल करके खुद ही की स्टोरी बना सकता है, खुद को सरनेम दे सकता है, जो नेथन ड्रेक है। ये एक स्पॉइलर है, लेकिन माँ कसम यार, पूरी स्टोरी देखो। अगर मैं खेल रहा हूँ तो मेरे साथ देखो, या फिर किसी और बंदे ने पहले से खेल के रखी होगी तो वो वाली वीडियोस देखो। कहानी बहुत मस्त है, खुद खरीद के खेलो, मस्त गेम है। और आई थिंक अभी तो प्राइस भी डाउन हो गया उसका, तो डिस्काउंट वगैरह तुमको मिल जाएगा। और अगर तुमको कंप्लीट कहानी जाननी है तो खरीदना पड़ेगा नेथन ड्रेक का पूरा कलेक्शन, जो होगा इन 3 गेम्स के साथ। तो ये नेथन ड्रेक का कलेक्शन है जिसमें पहले के 3 गेम रिमास्टर्ड वर्जन पे हैं, और ये वाला जो है ये फाइनल एडिशन है। तो नॉटी डॉग का मैं दीवाना हो गया जब ये वाले गेम्स खेले। जो ग्राफिक्स लेवल इसमें है वो पहले के 3 गेम्स में नहीं है, भले ही रिमास्टर में उन्होंने पूरी कोशिश की है। तो स्टोरी तुमको मिल जाएगी पहले वाले गेम्स खेल के, लेकिन जो यार कमाल की ग्राफिक्स इसे मिलेगी। फिर ग्राफिक्स के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने अनचार्टेड पे ही एक नेक्स्ट वर्जन रिलीज किया जो है अनचार्टेड का द लॉस्ट लेगेसी। इसमें अपने गणपति बाप्पा है, मीन्स एक बहुत बड़े गणपति बाप्पा है जिसके ऊपर अपन चढ़ सकते हैं यार। और मीन्स स्टोरी भले देसी लोगों ने बैठ कर लिखी होगी या गोरों ने और देसियों ने मिलकर लिखी होगी, लेकिन कमाल कर दिया। थोड़ा सा इन्होंने क्या कहते हैं फिक्शनल लाइबिलिटी ली है, जो कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं, मे बी दुनिया का एक्सेप्ट होगी नहीं होगी क्या पता, लेकिन खेलने के लिए बहुत अंधा गेम है। बीच बीच में जो आउट ऑफ द कैरेक्टर्स हैं वो हिंदी में बात करते हैं, जैसे कि फार क्राई में था जो गालियाँ यूज़ करते थे जितने भी दुश्मन लोग हैं वहाँ पर बैठ के। मैं गाली यूज नहीं करूँगा, नहीं तो मेरे वीडियो में एडल्ट रेट लग जाएगा और फिर मैं बच्चों पे ये बता नहीं पाऊंगा कि कितने मस्त गेम्स हैं ये। तो तीनों गेम्स को मैं फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दूंगा, जो भी स्टार रेटिंग देनी है दे दो यार। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यूट्यूब मुझे पैसे नहीं देगा जब तक मेरे 100,000 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे। नए नए पॉलिसी बनाते रहते यार इन लोग, और वीडियोस आते रहेंगी। तो अनचार्टेड के बारे में आज के दिन नहीं, पर मैं पूरा गेम खेलूंगा और मैं भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। चीज़।